शादी हो रही है। कितनी शादी करवाओगे? चार शादी करवा रही हूँ। आप कितनी कराओगे? मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए आज एक बार और आप लोगों को शादी की वीडियो लेके आई हूँ। जेठानी की लड़की की शादी है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं पूजा, जो पूजाई होती है ना बारात जाने के एक दिन पहले, तो भूया मतलब बरम बाबा होते हैं ना, वहाँ पे पूजा होने जाती है। तो यहाँ ऐसे खेतों से रास्ता है, पता नहीं कौन से दूर जाके बैठे हैं बरम बाबा, तो उन्हीं के यहाँ पूजा होने के लिए जा रहे हैं। जब खेतों को देखी ना तो क्या बताएं, सच में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा वीडियो बना लेते हैं। तो ये मेरी सास है और मेरी जेठानी, अक्सर वीडियो में आप लोगों को दिख जाता होगा। तो खेतों में देखिए ऐसे आज भी, मतलब आज के टाइम में भी खेत में ऐसे जाने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, कि ऐसे शहर में हम रहते हैं ना तो जाते हैं पैसे दे के मतलब घूमने, और बिना पैसे के गाँव में इतनी अच्छी मतलब शुद्ध हवा। और तो यहाँ पे बजाए जा रहे हैं ढोलक, ताशे बज रहे हैं, और मंदिर में शादी होने वाली है, क्योंकि पिछले बार देवर की शादी थी तो घर पे हुआ था, तो आप लोग के साथ मैंने वीडियो शेयर किया था, एक एक रिवाज शेयर किया था। आज मैं डायरेक्ट शादी से ही वीडियो बना रही हूँ। वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अभी अभी मैंने देवर की शादी थी, तो सारे विधि व्यवहार जो होते हैं सब कुछ शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो बार बार एक ही चीज़ को क्या दिखाना है। इस वजह से इनका जो ये मेरी परी वाली जेठानी है, तो इन्हीं के बेटे की शादी है, तो वो पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होता है ना, इनकी शादी मतलब बहुत जल्दबाजी में हुई है, और मेरी भी शादी मतलब 8 से 10 दिन में ही हो गई थी शादी। तो अगर आप लोग कहिएगा तो मैं अपनी शादी के बारे में भी बताऊंगी कि 8 से 10 दिन में ही मेरी शादी हो गई थी। तो इनका भी सेम मेरे जैसा ही है, मतलब 6-7 दिन लगे हैं इनको शादी, मतलब पहले से हो रहा था, बात बात चल रहा था। सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी भी हो रखी है। गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, अभी तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। आई हुए मेरे मतलब आई थिंक 10-12 दिन हो गए, फिर भी अभी भी खांसी है, डॉक्टर से दिखा रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से हम सब खड़े हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी ननद जो है ना वो डाल लेके खड़ी है, और ये मेरी जेठानी है, और ये ऐसे गाँव का जो छोटा बच्चा बोलते हैं ना वही है। तो ये लोग पूजा वूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूजा हो गया है परम बाबा का, उसके बाद जस्ट मेरे घर के बगल में था ना मतलब एक और मंदिर है। कहा जाता है कि ये मौरी है जो लड़का से पहन के शादी करने जाता है, तो यहाँ पे 2 मौरी खरीदाया है। एक यहाँ पे जो शंकर जी का मतलब मंदिर होगा ना, उस शंकर जी पे एक मौरी चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है, तो यहाँ पे पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम बच्चे जाते हैं और इधर चढ़ा दी है, उसके बाद फिर हम घर चलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आ गए हैं फाइनली हम मंदिर में। वहाँ का मैं रीति रिवाज नहीं दिखाई, क्योंकि वीडियो नहीं बनाई थी, इस वजह से नहीं दिखाई, क्योंकि मंदिर में पूजा करने के बाद कुछ वीडियो बनाने लायक कुछ था नहीं, त्यौहार विध वगैरह जो थे वो हो गए थे। और ये मेरी ननद की लड़की है, आपने बहुत सारे वीडियो में इनको देखा भी होगा, और मैंने बोला भी है इनके बारे में काफ़ी कुछ, बहुत अच्छी है। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और ये जो मैंने साड़ी पहन रखी है ना, ये कांचीपुरम साड़ी बोलते हैं ना, मतलब केरल के साइड में। तो पहले मैं यहाँ से केरल थी, तो उधर की बहुत फेमस साड़ी है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ, और शादी मतलब अभी आए हुए आधे घंटे हो गए हैं, नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। तो इस तरीके से शादी वादी हो रही है, देखिए लड़का बैठ गया, यानी कि मेरी जेठानी के जो लड़का है वो, और मेरे जेठ जी इधर सामने जो चश्मा लगा के बैठे हुए हैं ना, उन्हीं का बेटा है, मेरे जेठ जी हैं सबसे बड़े वाले। तो यहाँ पे कुछ बीत वगैरह होगा। ये जो माथे पे रुमाल रख के रखा है ना, वो लड़की की साइड से है, तो यहाँ पे बीत वगैरह होगा और लड़की वगैरह आएगी और शादी होगा। मतलब मंदिर में ही शादी हुआ था, क्योंकि मतलब कुछ पर्सनल बातें हैं जो मैं बता नहीं सकती, इस वजह से इनकी शादी मंदिर में ही हुई है, और वैसे काफ़ी अच्छी हुई है। और अच्छा भी है कि एक तरह से मानो तो अच्छा भी है कि मंदिर में शादी हुई, तो हमें फिर से वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया, नहीं तो घर पे होता तो वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि एक ही चीज़ को क्या बार बार दिखाना है ना, तो इसी वजह से नहीं बना पाती। और ये देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और ये मौरी रखा हुआ है, और लड़का वहाँ पे बैठ गए हैं। अब लड़की का आने का इंतज़ार हो रहा है, तो लड़की हो रही है तैयारी।
अब जब लड़की आ जाएगी तो जैसे बीत वगैरह होता है उन सारे बीत वगैरह को करके शादी वादी हो जाएगी। शादी वादी हो रही है जब तक मैं चली गई थी खाना खाने, क्योंकि काफ़ी मतलब रात हो गई थी तो 8 बज गए थे। तो हम लोग सोचे कि खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि कल होके ना मुझे ट्रेन पकड़ना था विशाखापट्टनम आने के लिए वापस, क्योंकि मेरी 1, 2, 3 तारीख की ट्रेन थी उसको मैंने कैंसिल कर दिया था और इनकी शादी अचानक से हो गई थी। तो और उसके बाद मैंने 6 को टिकट बनवाया था, तो 5 तारीख की इनकी शादी हो रही है और 6 को मेरा मतलब टिकट है, मतलब ट्रेन पकड़ना है, तो इस वजह से ये शादी हो ही रही थी। तो मैं यहाँ से चली गई थी और गाड़ियाँ जा रही थी, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। दो दो बच्चे के साथ ठंड के टाइम में परेशान हो रही थी मैं,
तो मतलब शादी दूल्हे वाले तो दूल्हे ले जाएंगे, दुल्हनिया ले जाएंगे, हम तो ठंडे में ठिठुर जाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि खाना खा के चले जाना ही सही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और फाइनली इस वीडियो को भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।